इनकी मार मैंने बर्दाश्त कर लिया, इनके गुंडों की, इन्होंने जो मेरे साथ बदतमीजी किया मैंने उसको बर्दाश्त कर लिया। और वहां से निकल करके मैं सीधे गाड़ी में बैठा और भाग के गया लखनऊ। लखनऊ जाके 9 बजे प्रेस वार्ता किया और कहा, खुले मन से प्रेस के सामने कहा कि योगी मेरी हत्या कराना चाहता है। जिस तरह का तांडव झांसी में कराया, बांदा में कराया, शामली में कराया, सहारनपुर कराया, मुजफ्फरनगर कराया, बरेली में कराया, इनके गुंडे हमेशा ओम प्रकाश के पीछे पड़े हैं। अरे भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, योगी मेरी हत्या करा दे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन जो लड़ाई ओम प्रकाश राजभर ने खड़ी किया है, ये लड़ाई साथी ये कारवा रुकने नहीं चाहिए, इसको आगे बढ़ाओ, इसको मंदिर तक ले जाओ और अखिलेश यादव जी को एक एक और साइकिल पर देकर के और सलेमपुर में छड़ी वहां देकर के सभी साथियों को जितवाओ। और एक बात नोट कर लो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ये ओम प्रकाश राजभर हम शंकर भगवान के पुजारी हैं, जिसको मैंने श्राप दे दिया वो भस्म होकर जल के राख हो जाएगा, देख लेना। जी के बहुत घमंड है, बहुत मोदी जी को घमंड है, मोदी जी का घमंड चकनाचूर करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने मन बना लिया है कि घबराओ नहीं। 10 तारीख को गिनती होगी, मोदी जी बोलते हो सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, और तो और नारा दिया, आए गरीबों हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दे रहा, अब कहां उड़ाई। यही बदे हम इनसे कहिला घबरा मत, है जो ट्रेनवा चलाता ना वोमन का चालू डब्बा वो निकाल देला। ये गरीबन का कल्याण, ये 5 किलो गेहूं दे के शर्म ना लगती है इस मोदी जी को, 5 किलो गेहूं देता है, नमक दिला देता है और कहता है कि हमारे नमक का लाज रखा, अरे वही में बालू मिला के दे ले हमारे, है ना। ये भाजपैया मिल जाए तो जीभ निकाल के जैसे वर्धवन का जीभ निकाल के रगड़ल जाला ना, नीमक मरचा जौन इन्होंने नीमक दे ले हो बालू मिला के, वह इन्होंने के जीभी पर रगड़ देवे के, ताकि इन्हनों के समझ में आ जाए। चना बाटा तुम्हें घूनल, बोला घूनल दे तुम ना, अब कहत का हमन कि हम राशन बांटा थी, अपने बाप का कमाई बांटा हुआ, इन गरीबों के टैक्स का पैसा देते हो और कहते हम राशन बांट रहे हैं। ऐसे नाते मोदी जी बिना मतलब का मत बोलो भाई,